सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है हरिनाम संकीर्तन। इस रथ यात्रा में क्या होता है, मेन जो चीज होती है वो क्या, हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि जिस समय पर ये रथ यात्रा निकाली गई और चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के सहित उस रथ यात्रा में सम्मिलित हुए, तो दोनों महाप्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु और साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भी महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। और जिस समय वो रथ यात्रा हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु ने उस रथ का संचालन करने के लिए, उस रथ यात्रा का अच्छे से मेंटेन करने के लिए कितने 8 कीर्तन की मंडलियां बनाई थी, कितनी, 8 कीर्तन की मंडलियां। और एक मंडली में 4-4 मृदंग वाले होते थे, कितने, 4 मृदंग एक मंडली में, 4 × 8 = 32 मृदंग, कितने, एक मृदंग पूरा हाल में गूंज रहा है, तो 32 मृदंग क्या कोलाहल होगा। और 8 ट्रोलियों में, एक एक ट्रोली में एक एक जो एक्सपर्ट होता था कीर्तन गाने वाला उसको रखा जाता था, एक्सपर्ट जो कीर्तन करने वाला एक ट्रोली में उसको रखा जाता था, 8 मृदंग होते थे। और साथ में उस कीर्तन में बहुत भव्य तरीके से नृत्य करने वाले एकदम एक्सपर्ट उन ट्रोलियों में होते थे। और उन 8 ट्रोली में चैतन्य महाप्रभु बारी बारी जाकर उस ट्रोली के बीच में कीर्तन करते थे। और जैसे ही भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे जो ट्रोलियां होती थी उनके आगे जब महाप्रभु कीर्तन करते तो रथ चलता रहता, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते रथ के पीछे चले जाते या जगन्नाथ जी के नजरों से थोड़ा हट जाते तो रथ एकदम रुक जाता। ऐसे लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु उस रथ को अपने भाव से खींच रहे हैं। और उसी भाव में आज भी भक्तगण क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे भव्य हरिनाम संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान जगन्नाथ से कहते हैं कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, ये हमारा मन ही वृंदावन है, आप इसमें आके सदैव के लिए क्या हो जाओ, अटल हो जाओ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जिनका एक नाम है पतित पावन, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां सबको अलाउड नहीं है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अंदर जाने के लिए, विदेशी लोगों को विशेषकर, तो उनके लिए क्या है कि साक्षात भगवान जगन्नाथ ने अपना एक स्वरूप द्वार पे खड़ा किया है, स्वयं अपना ही एक वो एक्सपेंशन, उसको कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। जो अंदर नहीं जा सकते वो बाहर से उनका दर्शन करते हैं। जैसे एक मरीज अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, परंतु मरीज अगर बहुत ज्यादा बीमार हो और डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो डॉक्टर खुद उसको चेक करने आता है। ऐसे में जितने भी संसारी लोग हैं ना, हम सब रोग से भरे पड़े, बीमारी से भरे पड़े हैं, सबको रोग कौन सा लगा हुआ है, भव रोग, संसार का रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग। संसार का रोग लगा हुआ है, हर किसी को धन की चिंता है, हर किसी को परिवार की चिंता है, हर किसी को घर की चिंता है, हर किसी को अपने पद की चिंता है, पर यह मालूम नहीं कि जो जिसके प्रारंभ में लिखा है ना वो अपना अच्छे से कर्म करे उसको मिल जाएगा, बाकी समय क्या करे, वो ठाकुर जी का भजन करे, ये विश्वास होना चाहिए। पर भगवान जगन्नाथ किसी को खाली छोड़ते नहीं। आप जितने लोग बैठे हो सच सच बताओ, जब से हमने जन्म लिया है आज तक जगन्नाथ ने कोई कमी छोड़ी है, भूखे उठे जरूर होंगे लेकिन भूखा कभी सुलाया नहीं होगा, और जहां भगवान जगन्नाथ होते हैं प्रसाद की तो कोई कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। इससे आज भी जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, वह इतने सारे चमत्कार हैं कि नॉर्मल डेज में जितना जो भोग लगाया जाता है
मान लो इस समय अगर वहां पे 5,000 लोग हैं, इस समय पर भोग लग रहा है तो पूरा हो रहा है, लेकिन 50,000 लोग भी हो जाएंगे ना तो भी इतना ही भोग बनता है। पता है आप लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं हो, अगर 50,000 लोग हो जाएंगे तो भोग इतना ही लगता है, फिर भी कम नहीं पड़ता है। और जगन्नाथ जी की प्रसाद की तो महिमा की क्या बात करें, पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की प्रसाद की महिमा है। जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां के कितने, किसी भी जगह पे जाओ तो वहां की कुछ स्पेशल चीज को लाया जाता है। जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां का हविष्य प्रसाद, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो अवश्य लेके आना चाहिए। इसे आज भी जो वैष्णव लोग एकादशी का व्रत खोलते हैं तो जगन्नाथ जी के हविष्य, जिसको कहते हैं वो चावल होता है सूखा एक, उस चावल से एकादशी को खोलते हैं। और ऐसे जगन्नाथ की इतनी अद्भुत महिमा है, इतने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए इतना स्नेह है उनके अंदर कि उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, उनके हाथ भी ऐसे बड़े बड़े भुजाएं, उनका दाम भी इतना बड़ा बड़ा, उनकी रसोई भी इतनी बड़ी, और दिल भी बहुत बड़ा। और ये रथ यात्रा का उत्सव तो बहुत ही अद्भुत है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो पूरे विश्व के अंदर इस समय हरे कृष्णा मूवमेंट जो फैल रही है पूरे विश्व में, जहां देखो हरे कृष्णा महामंत्र की धुनी गाई जाती है, हरे कृष्ण इसमें भी मेन भूमिका जगन्नाथ जी की है। किसकी मेन भूमिका, मेन रोल किसका है? जगन्नाथ जी का। उल्लासनगर में आज रथ यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा आश्रम है, सब कुछ है, इसमें भी जगन्नाथ जी का मेन रोल है। या तो मैं ये भी कहने से पीछे नहीं हटूं कि इस लास्ट हल में भी है तो उसमें जगन्नाथ जी का रोल है। पूछो कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। श्रीला प्रभुपाद जी जो 70 साल की उम्र में अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए हमारे इस सनातन संदेश को, भागवत संदेश को उन पश्चात देशों में फैलाने के लिए, दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए जब जाने वाले थे तो सबसे लास्ट में, यानी विदेश जाने से पहले पहले कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी गए थे, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की थी। इसे कई अनुभवी संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि वो जगन्नाथ स्वयं शिला प्रभुपाद जी के हृदय में बैठ के विदेश चले गए। इसे आज आप देखो पूरे विश्व में रथ यात्रा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। प्रभुपाद जी गए कहां से? जब भारत से जा रहे थे तो अंत में जाने से पहले उन्हें क्या किया, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेकर फिर निकले थे। और कहते हैं शिला प्रभुपाद जी जो वहां स्टार्ट के दिनों में जब प्रचार कर रहे थे तो उन लोगों के बीच में प्रचार शुरू किया जो बिल्कुल हिप्पी लोग थे, जिनको कुछ पहनने का, कुछ खाने का, कुछ समाज में कोई कुछ उनका रोल ही नहीं था, ऐसे समझो। सारा दिन LSD के नशे में डूबे पड़े रहना। के वैष्णव क्या होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। जाना चाहते तो किसी हाईफाई जगह पे जा सकते थे, पर ऐसी जगह को चुना जहां पर सबसे ज्यादा माया थी कि ये सबसे ज्यादा बीमार है, इनके पास मुझे पहले जाना चाहिए। और क्या कर रहा है, उन हिप्पियों के बीच में जो LSD के नशे में डूबे पड़े होते थे, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आता था, गिटार भी कुछ गा रहा है, किसी दाढ़ी ऐसे मिली कुचली फटे कपड़े ऐसे, उनके बीच में शिला प्रभुपाद जी क्या करते, हरि नाम का संकीर्तन आरंभ करते। और वो कीर्तन करते करते आज देखो पूरे विश्व में क्या धूम मची हुई है। तो वो जब ये आरंभ के दिन थे और वहां पे कीर्तन हो रहा था, ऐसे में शिला प्रभुपाद जी की एक शिष्य जो अमेरिकन थी, वो नए नए लोग थे, हिप्पी लोग जुड़े थे, उनको क्या पता कि धर्म क्या है, जगन्नाथ क्या है, कुछ पता नहीं। तो एक दिन किसी मॉल के अंदर गई जहां पर बहुत सारे गिफ्ट रखे थे जो भारत से विशेषकर गिफ्ट आते थे। तो उस मॉल में घूम रही थी तो उसको उसकी नजर एक छोटी सी गुड़िया पे पड़ी, एक डॉल के ऊपर। वो बारबी डॉल नहीं थी, हाँ ये बारबी डॉल की जगह ये वाली डॉल रखो जो मैं भी बता रहा हूं आपको। पता नहीं क्या लोग किसके पीछे पागल हैं। तो वो
एक ढोल के ऊपर उसकी नजर पड़ी, उसने क्या कि उठा के अपने पर्स में डाल दी, चोरी कर ली। और जब उस मॉल से निकली और जैसे ही अपने घर पे पहुंची, फ्लैट में पहुंची, तो उस वेस्टर्न माता जी ने क्या कि उस पर्स में से वो जो डॉल थी उठा के टेबल पे रखी। ऐसे में शिला प्रूपा जी बाहर से जब अंदर रूम में एंटर हुए और उस टेबल पे क्या देखे, एक क्या रखी हुई, डॉल रखी हुई। शिला प्रूपा जी ने जैसे उस डॉल को देखा उसी टाइम पे दंडवत प्रणाम कर लिया। वो वेस्टर्न माता जी हैरान है कि ये क्या हो रहा है, रूपा जी किसको प्रणाम कर रहे हैं, यहां वहां तो कुछ नहीं देखा, तो उसने जो टेबल पे डॉल रखी थी उसको प्रणाम किया है। तो वो वेस्टर्न माता जी हैरान हो गई कि ये क्या है शिला प्रभुपाद, आप किसको प्रणाम कर रहे हो, ये तो गुड़िया है। वो तो गुड़िया नहीं है, चरी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही इज अ जगन्नाथ। हैरान हो गई कि जगन्नाथ क्या है। शिला प्रभुपाद ने उनको जगन्नाथ जी के बारे में बताया। वो चरी, मैंने बोला है, उसने नहीं बोला होगा, प्रभुपाद जी नहीं बोला होगा। हैरान हो गई कि अच्छा ये जगन्नाथ है, कहां से लेके आई, उसने कोई बात छुपाई नहीं, सच सच बता दी, ऐसे ऐसे मैं चोरी करके लाई हूं, वापस जाओ, एक और चोरी कर ले, नहीं जाके कन्फेस करो, और ऐसी दो और गुड़िया होंगी इसके साथ, ये पूरा तीन का सेट होता है। वो माता जी उस जगन्नाथ जी की अकेले विग्रह को लेकर वापस मॉल में जाती हैं और उनके साथ कन्फेस करती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा तीन विग्रह का सेट होगा, प्लीज मुझे वो आप ढूंढ के दीजिए। तो दुकानदार भी बहुत खुश हुआ कि इसने कन्फेस किया और इसको पता चला कि ये इसकी दुकान पे क्या आया है। मैंने कहा हाँ, ये इंडिया से बहुत सारे गिफ्ट आए थे, उसमें से निकला है, तुम रुको मैं ढूंढ के देता हूं। तो उस दुकानदार ने दो और भी ऐसे सुभद्रा मैया और बलदेव जी का विग्रह उनको छोटे से दिए और पैसे भी नहीं दिए, खुश हो गया वो। ये माता जी लेकर आई, शिला प्रभुपाद जी तीनों को देख के बड़े प्रसन्न हुए। तो पहले तो प्रभुपाद जी जब गए तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके गए थे। इसे भक्तगण कहते हैं कि वो जगन्नाथ भक्त के हृदय के हृदय में बैठकर विदेश गए थे और पीछे पीछे जगन्नाथ खुद भी देखो उनके पास चले गए। शिला प्रभुपाद जी के मन में आइडिया आया कि क्यों ना इस यूएस में, अमेरिका में भी बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाए। तो वो रथ निकलेगा कैसे, इतने बड़े विग्रह कहां से आएंगे। तो जो उनके शिष्य थे, जो अभी तक तो वो सिगरेट वगैरह पीते थे, नशा करते थे, उनको आज्ञा की कि ये छोटी जो तीन विग्रह आपको दे रहा हूं, इस जैसी बड़ी बड़ी विग्रह आप बनाओ। उसने प्रभुपाद, मैंने कभी कारपेंटर का काम नहीं किया, तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और कृष्ण चाहे तो किसी से क्या काम नहीं ले सकते। शिला प्रभुपाद जी उनको बताते जाते, उनने लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा अरेंज किया, गणना शुरू किया, प्रभुपाद जी उनको बताते जाते। एक दिन शिला प्रभुपाद जी रूम के अंदर आए तो देखा तो वो जिस विग्रह को गढ़ रहा था, जिस कारपेंटर में जिसे गढ़ते हैं, तो एक तो उसे काम करा, सिगरेट पी रहा, और सिगरेट पी के जैसे कश लेके रखते ना, तो जगन्नाथ के सर पे रख रहा था। शिला प्रभुपाद जी हैरान हो गए, व्हाट ए नॉनसेंस। वो छड़ी से सिगरेट को हटाया वहां से, उसको समझाया कि ऐसे ऐसे नहीं होता है। खैर जो भी है, इतने बड़े जगन्नाथ भगवान के वो सुंदर विग्रह, पहली बार जिसने कभी कारपेंटर का काम नहीं किया, एक काल्पनिक तौर से इतना सुंदर भगवान जगन्नाथ के विग्रह का कलेवर तैयार हो गया। फिर इसके बाद उसके लिए बहुत बड़ा रथ अरेंज किया गया। और आपको बता दूं कि ये जो रथ होता है ना जगन्नाथ जी का, इतने बड़े बड़े रथ होते हैं, इसमें एक भी कील यूज नहीं होती है, एक भी कील यूज नहीं होती और कोई स्ट्रिंग भी नहीं होता है। मतलब जगन्नाथ के जैसे मर्जी जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। तो आज भी जगन्नाथपुरी में देखोगे ना, जहां से जगन्नाथपुरी के मंदिर से जब रथ निकाला जाता है, अगर रथ का भाव भीड़ की तरफ से इस तरफ से हो गया जहां दुकानें हैं, तो रथ को टर्न नहीं लेंगे, उस दुकान को हटा देंगे, हटो बॉस आ रहे हैं। तो आज भी जाओगे तो बहुत बड़ा ग्राउंड रोड उसको बोलते हैं, दुकान नहीं हटाई जाएगी, रथ को नहीं टर्न किया जाएगा, दुकान को हटा दिया जाएगा।
तो प्रभुपाद ने पहली बार उस जब यूएस के अंदर इतनी बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया, फिर पूरी वहां से लोकल गवर्नमेंट से परमिशन ली गई और ये वहां का इतना बड़ा उत्सव हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरे दिन की छुट्टी दी गई उस दिन सांस फ्रांसिस्को में, मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा है सही से। दुर्भाग्य ने उल्लासनगर में तो कुछ छुट्टी भी नहीं होती यार, यूएस में सैन फ्रांसिस्को में वहां पर एक दिन की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दी गई कि आज रथ यात्रा है और ये पहले फर्स्ट टाइम इस तरह का एक त्यौहार मनाया जा रहा था। और वो विदेशी लोग उस रथ यात्रा में जो भव्यता से कीर्तन कर रहे थे, जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींच रहे थे, नए नए इंस्ट्रूमेंट देख के एक अद्भुत एक वातावरण था। इसके बाद तो फिर हर कंट्री के अंदर ये रथ यात्रा का आरंभ हो गया। तो इस दुनिया के अंदर इस समय जो हम देख रहे हैं हरे कृष्णा मूवमेंट जो फैली है ना, उसमें जगन्नाथ जी का रोल है। प्रभुपाद जी गए तो पहले जगन्नाथ जी से मिलके, और प्रभुपाद जी जैसे ही गए उनके पीछे पीछे जगन्नाथ जी चले गए और पहला फेस्टिवल हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा का। और इतनी अद्भुत रथ यात्रा होती है और उस रथ यात्रा में विशेषकर क्या होता है, प्रसाद की बड़ी महिमा है। पहले तो क्या होता था, उस रथ पे चढ़ के भगवान जगन्नाथ को ऐसे हग भी किया जाता था, फिर क्या बेवड़े छड़की लोग कोई भी चढ़ जाता। फिर धीरे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 2-3 रथ यात्रा पहले ये सिस्टम बंद किया है। तो भगवान जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं और इतने भक्तों के प्रति इतने वो है ना कि कोई किसी की पवित्रता योग्यता पात्रता नहीं देखते। उसी जगन्नाथपुरी में एक माता जी थी जिनका नाम था कर्माबाई, नाम एक्चुअल कर्माबाई नहीं था, बाद में पढ़ा कई लोग ऐसे कहते हैं, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कर्माबाई जी खिचड़ी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहला जो भोग लगता है वो कर्माबाई का भोग लगता है, कर्माबाई की खिचड़ी। कहते वो माता क्या करती, रोज घर पे खिचड़ी का भोग बनाती और जगन्नाथ के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, अपने लाला की तरह अपने बच्चे की तरह उनसे ट्रीट करती थी। और भगवान जगन्नाथ तो इतने कृपालु हैं कि छोटे से बालक का स्वरूप धारण करके सुबह सुबह पहुंच जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। और वो माता जी भी क्या करती हैं, बड़े भाव से उनको खिचड़ी पवाती। ऐसे रोज का नियम चलता रहता, रोज का नियम चलता रहता। उनके घर पे जगन्नाथ जी के विग्रह थे लेकिन साक्षात जगन्नाथ छोटे बालक के स्वरूप में उनके पास जाते। तो एक दिन क्या हुआ, एक कोई महात्मा वहां पे आए उनके घर पे, तो देखा तो ये माता जी सवेरे उठी, ना स्नान किया ना कुछ किया है, और क्या करी रसोई में चली गई, खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी के सामने रखी। उस महात्मा ने कहा, हरी भाग्यवान, ना तो स्नान किया ना कोई पवित्रता ना कुछ, ऐसे कोई ठाकुर जी को भोग लगाता है क्या, तो फिर कैसे करना चाहिए, मैं तो अनपढ़ हूँ गवार हूँ मुझे नहीं पता, ऐसे करो स्नान करो फिर आचमन करो फिर ये करो वो करो ये करो सब पता नहीं क्या क्या लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। अच्छा अच्छा क्षमा चाहती हूँ, कल से मैं ऐसे करूँगी। अब जगन्नाथ जी को तो आदत लग गई थी, और ये तो गीता में कृष्ण कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रियच्छति, यदि कोई प्रेम से मुझे फल फूल पत्ता या जल भी अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जरूरी नहीं कि हमारी तरह आके खाए दोनों हाथ डाल के, वो भगवान है, अपनी आंखों से पाँव का काम ले सकते हैं, पाँव से आंखों का काम ले सकते हैं। अब आपको इस समय सूर्य नहीं दिखता इसका मतलब थोड़ी कि सूर्य गायब हो गया है, ये इस समय आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा तो जरूरी थोड़ी कि आपको नहीं दिख रहा तो नहीं, बादलों के भी छुप गए आपको देखने की शक्ति नहीं। तो भगवान तो किसी स्वरूप में भी किसी भी अंग से उस प्रसाद को खा सकते हैं, किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। अब दूसरे दिन उस माता जी ने क्या किया, सवेरे जो खिचड़ी बनाना आरंभ की, अब उस महात्मा के कहने के अनुसार ऐसे खिचड़ी बना रही थी तो थोड़ा विलंब हो गया। ऐसे में जगन्नाथ जी को सुबह सुबह भूख लगती थी, सुबह आ जाते थे कहां पर, देखा तो आज तो मैया भाई बड़ा सोचता में लगी पड़ी है। और वहां पे क्या है, भगवान जगन्नाथ जी की पट खोलने का आरती का समय होने वाला था। अब यहाँ भगवान जगन्नाथ ने कहा, अरे मैया आज तो लेट कर दिया, कहीं पुजारी ने खोल दिया वो पर्दा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते वो बालक के स्वरूप में आता हूँ, कहता था जल्दी कर मां, क्या बोलता था वो, जल्दी कर्मा की जगह वो कर्मा करते कर्मा भाई नाम पड़ गया उनका। अब उस दिन जो खिचड़ी इतना लेट लगाई तो खाए तो सीधा तुरंत खा के भागे,
और उसी समय वहां पुजारी ने घंटा बजा दिया पट खोलने का, चलो भाई दर्शनार्थियों को दर्शन करने का टाइम हो गया है। सही में जब भगवान के पट बंद होते हैं ना, स्पेशल टाइम होता है, पता नहीं कहां कहां ठाकुर जी जाते होंगे, किस किस के घर पे जाते होंगे। तो जैसे पुजारी ने पट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ के मुख भी पूरा खिचड़ी से, हाथ पूरे ये मुख पूरा खिचड़ी से भरा पड़ा है। सब हैरान कि हमने तो खिचड़ी भोग लगा ही नहीं, ये क्या हुआ। तो जो वहां के हेड पुजारी थे और वहां की बहुत अजीब एक अलग ही वहां की परिपाटी है, जैसे जगन्नाथ का कलेवर जब चेंज होता है तो जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, ऐसे पहले के जगन्नाथ में प्राण होते हैं, उन प्राणों को वो पुजारी उस जगन्नाथ जी से निकाल के दूसरे कलेवर में स्थापित करता है, उस पुजारी की आंख में पट्टी बांध दी जाती है, पता है। इसके बाद वो पुजारी ज्यादा समय रह नहीं पाता, उसका शरीर छूट जाता है, सीधा भगवान के लोक में जाता है, ये आज भी परंपरा है। तो उस पुजारी के सपने में स्वयं जगन्नाथ आए, कहा कि देखो ये आज जो तुमने देखा ना, ये मेरा जो पूरा लिपा पोता जो हाथ मुंह सब, ये सब तुम्हारे उस पंडे के कारण हुआ है। कौन पंडा? मतलब वो मैया है ना, मैं रोज उसके घर पे खिचड़ी खाने जाता हूँ, कल मालूम नहीं उसको क्या वो पाठ पढ़ा क्या, उसने एक घंटा तो पूरा कल स्नान करने में, बर्तन धोने में, रसोई को साफ करने में लगा दिया, और अंत में मैं जल जल्दी खा के गरम गरम खिचड़ी निकला तो हाथ धोने के लिए भी टाइम नहीं था। ऐसे जाओ उस पंडे को बोलो कि आज के बाद जैसे माँ करे ऐसे करने दो उसको। तब वो पुजारी बड़े हैरान हुए, उस महात्माओं को जाके कहा कि भाई वो जिस भाव से कर रही ना ऐसे करने दो उसको, उसको मना मत करो। और यहां पर कहा कि प्रभु आपको अगर यही भोग अच्छा लगता है तो रोज आपको सवेरे उनके हाथ का भोग लगाया करेंगे। और कहते हैं कितने समय तक ये कर्माबाई की खिचड़ी का विधान चलता रहा, और जब उस कर्माबाई के शरीर छूटा, जब उनका देहांत हुआ, वहां के लोगों ने खुद देखा कि कर्माबाई के घर के जब क्योंकि संतान नहीं थी, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अद्भुत कोई बालक आया था, वो कोई और नहीं था, जगन्नाथ जी थे। पर वो तो छोड़ दो, उनके घर के बाहर कितने दिन तक एक बालक आता बैठ के ऐसे करके रोता रहता, जैसे एक संसारी बालक की माँ कोई मर गई हो, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। ऐसे अद्भुत और वात्सल्य भाव वाले हमारे जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ जी की सेवा तो इतनी सरल है, इसे आज भी नित्य निरंतर उनकी लीलाएं तो होती रहती हैं। ये तो कई भक्तों का अनुभव भी होगा, मैं बहुत साल पहले की रथ यात्रा अभी तक मुझे याद है, बोल नहीं सकता हूँ उसको, कि रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो रही थी, श्रृंगार हो रहा था, तो सुभद्रा मैया की पूरी तरह से सेटिंग हो गई, लेकिन बार बार अंदर एक कमी लग रही थी, क्या सुभद्रा मैया को फूलों का गजरा पहनाया जाए। तो आपको मालूम है कि रथ यात्रा के दिन तो सबको बहुत सारी सेवाएं होती हैं, किसी के पास टाइम होता नहीं। तो ये दास इस माता जी के पास गया जिसके फूलों की सेवा थी, माता जी आज स्पेशल मुझे सुभद्रा मैया के लिए क्या चाहिए, वो लड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ भैया देते हैं, ठीक है। 10 मिनट रुका, फिर गया देते हैं, वो देते हैं देते हैं देते हैं, पूरा हो गया काम। आखिर में छोड़ो इनको देना ही नहीं है, अब छोड़ दो, मैं तो आ गया अपनी सेवा करके। फिर वापस जब दर्शनार्थी की सेवा के लिए गया तो उस समय एक माता जी आई, वो माता जी अभी भी हैं संसार में, वो आई, पूछा भैया क्या हुआ, अपने श्रृंगार पूरा कर लिया क्या। मैंने कहा पूरा कर लिया, क्यों। वो तो एक्चुअल में लेट हो गई, मैं रात से मैं सोच रही थी कि सुभद्रा मैया के लिए मैं लड़ियाँ ली, ये मोगरी की लड़ियाँ होती ना वो ली, सवेरे जाके दूंगी, पर लेट हो गया, अब मैं क्या करूँ कैसे लगाऊँ। अरे मैंने कहा मैया, वो सुभद्रा मैया पका के रखा हुआ है मेरे को, मुझे लड़ियाँ चाहिए वो मोगरे की लड़ियाँ चाहिए, मैं दे जल्दी कर। वो जाके सुभद्रा मैया को उस समय पहनाई। जरा सोचो आप सेवा के लिए भाव तो बनाओ, वैसे भी हर कोई संसार में सेवा करे, कोई पत्नी की सेवा करे, कोई अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई अपने बॉस की सेवा करे, कोई किसकी सेवा, कोई किसकी सेवा कर रहा है, इस बीच में थोड़ा सा कोई ऐसा अवसर निकालो जो ठाकुर जी की सेवा हो, और वो सेवा आपको संसार की गुलामी से बचा देगी। तो आज भी भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे जब वहां का जो राजा होता है ना, वो सोने की मुट्ठी वाला झाड़ू लेके उसके सामने झाड़ू लगाता है, और भाव ये होता है कि ये जो जगन्नाथ भगवान है वो द्वारिका के राजा हैं, इसको हम सब लेकर कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन लेके जा रहे हैं। तो ये लगभग मेरे ख्याल में 9 दिन की रथ यात्रा होती है, रिटर्न रथ यात्रा भी, उल्टी रथ यात्रा भी होती है। तो बहुत अद्भुत ये उत्सव है भक्तों पर कृपा करने के लिए, जिसमें भगवान जगन्नाथ आते हैं।
लास्ट टाइम भी आपको बताया कि भगवान जगन्नाथ का ये संकल्प है, रथे च वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, किस रथ की रस्सी को एक बार खींच लेता है, जो इस रथ पे मेरे स्वरूप के दर्शन कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनः कभी जन्म नहीं होता। और ये हमारा सौभाग्य है बापूजी की कृपा से कि हम उल्लासवासियों को भी ये जगन्नाथ भगवान के रथ की रस्सी को खींचने का इतना अवसर मिला है। तो कल लगभग 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में रथ का आरंभ हो जाएगा, और सौभाग्य से एक जो रथ है, जो शिला प्रभुपाद जी शिला भक्तिपाद जी का रथ है, उस पर हमारे बच्चों को कीर्तन के लिए वो सुंदर अवसर है। और ये कीर्तन किसके लिए होता है? जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे मैंने कथा को आरंभ ही क्यों किया, कहाँ से किया, कि इस रथ यात्रा में मेन जो रोल होता है किसका होता है? कीर्तन का होता है। तो बहुत भाव से कीर्तन होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ को पुकार रहे हैं कि प्रभु चलो चलो हमारे साथ चलो, हमारे हृदय को क्या बना लो, वृंदावन बना लो, और एक बार वृंदावन बना के इसमें बैठ जाओ, फिर कभी इसे बाहर मत जाना। नहीं तो उन्हें पता नहीं इस दिल में किस किस को बिठा के रखा है, झाड़ू लगा के कल सबको भगा दो और जगन्नाथ को यहाँ पर बिठा दो। ठीक है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो यहाँ तक इस लीला को अविराम देते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, 5-3 मिनट और एक्स्ट्रा ले। किसी को भी प्रश्न है? माइक है कोई? दो तो जल्दी से, 1-2-2.5, इसको तो आधा गिनेंगे ना, हाँ इसको तो पहले आज इसको दो, हाँ नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू, हाँ हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। बटन ऑन करो, सही से माइक में बोलो, बेबू छोड़ दो। हाँ सब एक ही क्वेश्चन, हाँ बाकी नहीं, अब कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे आगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के साथ में एक ऐसे खंभ की तरह खड़े होते हैं, है ना, वो क्या है ये कह रहे हो ना? एक्चुअल ये जो स्वरूप है, चतुर्दा स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दा, यानी कि चार स्वरूप, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन। एक्चुअल में ये क्या है, ये सुदर्शन चक्र है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आयुध है, उनका शस्त्र है क्या? सुदर्शन। तो यहां पर सुदर्शन के उस राउंड के शेप में नहीं, कैसे? इस तरह से। इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये सुदर्शन तो ऐसे राउंड होते हैं, फिर ये ऐसे लंबे लंबे क्यों खड़े हो गए? तो भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अपने भक्त के अंदर अभिमान जरा भी पसंद नहीं है। मैं शॉर्टकट में इसका जवाब दूं, एक बार क्या हुआ कि ये गरुड़ जी और दूसरे सुदर्शन चक्र, इन दोनों को अभिमान हो गया कि हमारे बिना तो भगवान का कोई काम पूरा होता ही नहीं। जब भी देखो, और गरुड़ जी को तो इतना अभिमान हो गया, अरे साक्षात त्रिलोकी के नाथ को मैं अपनी पीठ पे सवार होकर कहीं से कहीं लेके जाता हूं, मेरे बिना तो उनका कोई काम चलता नहीं है। सुदर्शन चक्र ने भी थोड़ा सा वो दिखाया अपना अभिमान। अब ये सुदर्शन असल में कौन है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र ने भी कहा कि वाह, मेरे बिना भी भगवान का कोई काम चलता नहीं, जब भी शत्रुओं का नाश करना होता है तो मेरा आह्वान करते हैं। तो कहते उस समय पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया द्वारिका में बैठे थे, और ये द्वारपाल बन के खड़े होते हैं, खड़े थे। आपने कई जगह देखा होगा मंदिरों में गरुड़ जी महाराज से हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हनुमान जी होते हैं, सुदर्शन तो साथ में ही रहते हैं। तो भगवान कभी सब कुछ पसंद करते हैं, अपने भक्त के अंदर अभिमान को पसंद नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को स्मरण किया, और हनुमान जी को स्मरण किया और कहा कि ऐसे ऐसे काम करो, तुम जाओ और गरुड़ और सुदर्शन जी को मेरा संदेश दो कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे पास पहुंचो। सब बोलो जरा हरे कृष्ण। नहीं सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मिक्स हो गया। हनुमान जी का आह्वान करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, और बाहर क्या करते हैं,
सुदर्शन और एक गरुड़ जी, वो दोनों को जिस अभिमान हो गया, तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी का सहारा लेते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं। तो सुदर्शन को और गरुड़ जी को भेजते हैं दोनों के, तुम दोनों जाओ और क्या करो, उनको बुला कर आओ हनुमान जी को, जितना तेजी से तेज गति से जाना। गरुड़ जी और सुदर्शन वहां पे जाते हैं, अब दोनों के मन में अभिमान भरा पड़ा है, और जैसे ही वहां पे गए हनुमान जी को बुलाने, हनुमान जी का चलो आपको प्रभु ने याद किया, अच्छा ठीक है मैं चलो, तुम लोग चलो मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी तुम क्या आओगे उड़ते उड़ते, चलो भगवान की मैं सवारी हूं, मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें तुरंत पहुंचा दूंगा। और गरुड़ की स्पीड पता है कितनी है, मन की गति से वो चलते हैं, जितना मन हमारे बैठे ऐसे गौलोक पहुंच गया, अमेरिका पहुंच, इतना तेज उसकी गति है। वो हनुमान जी को चैलेंज करते हैं, तुम क्या स्लो स्लो आगे बैठो मेरे साथ, मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा हनुमान देखा भी जो राम काज करीबे को आतुर, उस काम में कोई मेरे विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, उठाया गरुड़ को दोनों पंख कैसे उसका मरोड़ के ऐसा उठा के उसको फेंक दिया पानी के अंदर, तू रुक किधर, तो मुझे पहुंचाएगा। और हनुमान जी एक गति से जैसे उड़े हैं, जैसे द्वारिका के द्वार पे पहुंचे तो वहां पे सुदर्शन पहले खड़ा था, उसको भगवान ने कह दिया कि हनुमान जी को अंदर आने मत देना। सुदर्शन जो वो खड़े हैं उसको भी अभिमान कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलता। हनुमान जी को मुझे अंदर जाने दो, तो नहीं जाने दूंगा, आ गया है मुझे, बोले मुझे भी आ गया है। उस सुदर्शन को उठाया ऐसे नहीं, जो लोहे की प्लेट को टेढ़ा करके मुंह में दबा लिया और अंदर चले गए, प्रणाम किए, बोले कुछ नहीं। द्वारिकाधीश रुक्मणी सब वहां बैठे हैं, बोलते हनुमान जी आ गए, कहा अंदर कैसे है, सुदर्शन कहां है। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, सुदर्शन कहां है, जो बोले तो मुंह से निकाल के ऐसे भगवान के सामने रखो, ये लो प्लेट की तरह, वो नहीं जो ढक्कन होता है उसका, वो बोतल का। वो सुदर्शन अपने को सहलाने, वो गरुड़ जी कहां है, इतनी देर में गरुड़ भी सहलाते सहलाते वहां पर आ गए। सुदर्शन का तो जो अभिमान हो गया था ना, आज के बाद तो जो दंड देता हूं और दंड की तरह ही तो हमेशा इस स्वरूप में मेरे साथ खड़े रहोगे, तो वही सुदर्शन है जो भगवान जगन्नाथ के साथ के स्वरूप में खड़े हैं, ऐसे खड़े स्वरूप में हैं। इससे भगवान हर किसी चीज को सहन कर सकते हैं, पर भक्त के अंदर अभिमान आए उसको कभी सहन नहीं कर सकते। इसे जब आपके हाथ से कोई अच्छा काम हो ना, कहीं कोई दान करो, कहीं कोई अच्छा कोई काम कर लो, तो उसके पीछे बोल दिया करो हरि गुरु प्रीति अर्थे, क्या कि ये मैंने जो सेवा की गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की, लोगों को दिखावे के लिए नहीं की। नहीं तो लोग तो इतने चंडड़े हो गए कि आश्रम में अगर दो पेच भी लगाएंगे, थोड़ा सा झाड़ू भी लगाएंगे, कुछ काम करेंगे ना, उसका भी उसकी जगह भी 100 की जगह 1000 की जगह तो जेब में, मेरे को 1000 रुपये चाहिए। अरे भाई तो नसीब वाले जो भगवान ने तेरे से सेवा ली, समान सेवा भाव होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये सब कैसे चल रहा है, और मुझे पता है कि इतने जितने सारे लोग इसमें 10 लोग मुश्किल से होंगे जो सेवा को चला रहे होंगे, तो भाग्यशाली कृष्ण से सेवा ले रहे हैं। हम सबको ऐसी सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, जिससे हम लोग अपने मनुष्य जीवन को अपने धन को सफल कर सकें। और याद रखना, आज मैं किसे शेयर कर रहा था कि हम जब कहीं सत्संग में कीर्तन में या कहीं हम दान देते ना, दान देने वाला मान नहीं है, लेने वाला मान है, क्यों आपके पाप कर्म वो अपने सर पे ले रहा है। इसलिए हमेशा सेवा भाव हो, लेकिन कैसा हो, अभिमान के रहित होना चाहिए। ये जब सेवा होगी तब वो सेवा कहलाएगी, नहीं तो भगवान आपसे ज्यादा चतुर हैं, वो ऐसा चक्कर चलाएंगे ना आपका सारा गन चक्कर बंद हो जाएगा। इसे अपना गन चक्कर बंद करो, कल चक्करधारी आ रहे हैं रथ यात्रा में, उनके रथ की रस्सी को खींचो, जो जो हमसे गलते हैं उसका प्रायश्चित करें, और एक नया संकल्प लेके अच्छा भक्ति भजन करके जगन्नाथ भगवान को अपने हृदय में उनका स्वागत करें। कल रथ यात्रा 4 बजे के आसपास रथ यात्रा निकलेगी, तो सारे बच्चे जितने भी लोग हैं उसमें कीर्तन और रथ की रस्सी को पकड़ के अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।